रास्ता है कि नगेट्स फ्राई करें, साथ में केचप है, तरबूज है मज़े वाला, और साथ में है गर्मा मज़े वाला। जिस तरबूज की वजह से मेरा हाथ कट रहा है वही है। चलो दी अभी कर रहे हैं नाश्ता, आ जाओ जो आपके नगेट्स आ जाओ। करीब तो कर नहीं, आ जाओ ना, ये लो ना। और कितना करीब करूँ बेटा, और कितना करीब होगा फिर लाइट, हमारी तो फिर लाइट गई हुई, इसलिए आज हमने बाहर जैसा फैन लगाया है सहन की तरफ। गरम हो रहा, ध्यान से खाना बेटा। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो गरम हो रहा है मेरी जान, तेज खाना तोड़ दो ना। कहाँ नहीं, पहले ये खाओ फिर जाना बाहर। पहले यहाँ खाना खाओ फिर बाहर जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, मना नहीं कर रहा। खाना खा के जाओ, मैं पहले खा के जाऊँगा। ले लो फोक खाने के लिए, ले लो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। खाने की दुआ पढ़ो, खाना खाने की दुआ पढ़ो। फूक मार के गरम हो रहा है ऐसे करके, फूक मारो गरम हो रहा है बेटे। पहले फोक में डालूंगी फिर फूक मारूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी जो गिरा है टेबल को नीचे रखो, चलो जल्दी। नहीं बिल्कुल नहीं करो, जल्दी करो फटाफट से मेरा बेटा, शाबाश। और यहाँ पे जी बना लिया है आपकी आपी ने आज शवरमा, ये देखें जी कितना मज़े का लग रहा है। इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी मेरे कुकिंग चैनल पे। पीटा ब्रेड कैसे बनाई है, इसकी सॉसेस कैसे बनाई है, या पूरा शवरमा मैंने कैसे बनाया है, होममेड शवरमा, तो इसकी कंप्लीट रेसिपी आपको मिल जाएगी किरण के किचन पे। तो बस अब जाएँ और देखें और इन्जॉय करें ये हमारा शवरमा। काफ़ी फरमाइश आ रही थी, फरमाइश आ रही थी आप ही शवरमा बना लें, शवरमा बना दें। तो मैंने कहा चलें देखिए आप लोग जैसे, आप लोग को कितनी पसीने पसीने हो रही हूँ, तो मैंने कहा चलें जी आप लोग के लिए इजी तरीके से शवरमा बना देते हैं घर के सॉस से। कोई बाहर का मसाला नहीं खरीदें, कोई सॉस नहीं खरीदें, घर के मसालों से यमी यमी मसालों से बनाया है मैंने शवरमा। तो इसकी रेसिपी कम्प्लीट डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, जाके देखें और इन्जॉय करें, घर में बनाएं। आहिस्ता आहिस्ता आप सबकी फरमाइशें मैं पूरी करती रहूँगी। काफ़ी लोगों ने बताया आप ही विदाउट चिकन मैक्रोनी बनाना सिखा दें, तो वो भी बनाऊँगी। कड़ी पकौड़ा भी बनाऊंगी, पिज़्ज़ा भी बनाऊंगी बगैर ओवन के, और नान की रेसिपी भी मेरे चैनल में मिलेगी आपको बगैर ओवन के। सब कुछ मिलेगा, आसान से आसान रेसिपी, सब्जियां, बीफ, सब कुछ। लेकिन थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, आप ही स्टेप बाय स्टेप सब बनाएंगी आप लोगों के लिए। चलिए जी अब इसको हम कर लेते हैं इन्जॉय, इतनी मेहनत से बनाया तो खाएँगे तो सही ना। जोहा का बनाया, इसमें थोड़ी सी स्पाइसेस मैंने कम रखे हैं। ये लो जोहा, जाओ अपना प्लेट्स के साथ लेके जाओ, प्लेट के साथ, हाँ ताकि सुकून से खाना, ठीक है। जाओ शाबाश, ऊपर जाओ। सोफा यहाँ खाएंगी और हम लोग अपना पिज्ज़ा इन्जॉय करेंगे, एक मेरा है एक हस्बैंड का है। हम लोग पिज़्ज़ा कह रही हूँ शवरमा। जो हाँ बताए शाबाश है भाई, पास हो गया, मज़े का बना हुआ है। वाह भाई वाह, पिज़्ज़ा कैसे बनाऊँ, चलो जी ताली मार दी जोहा ने तो, कह रही मम्मा पिज़्ज़ा कैसे बनाना। चलो खाओ अपना इन्जॉय करो शवरमा। वालेकुम, कैसे हैं सब, होगी सब ठीक होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से मोहब्बत से और प्यार से। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और मैंने आज कुछ नहीं बनाया, क्योंकि मैंने जो बनाया था रात में मैंने पिज़्ज़ा नान, वो नान बनाया था वो भी खा लिया था हमने। उसके बाद मैंने एक चीज़ और बनाई थी, वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो और बहुत जल्दी आप लोगों को मेरे चैनल पर शवरमा की रेसिपी मिलने वाली है, और पिज़्ज़ा की भी काफ़ी फरमाइश आ रही थी। तो ये दोनों चीज़ें मैं इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में अपने कुकिंग वाले चैनल पर अपलोड कर दूँगी। तो अभी जोहा का शवरमा और जोहा को जो है ना मैंने कर दिया तैयार, तो और हम लोग जा रहे हैं, मैंने जाना है। ये मैंने अपने कपड़ों की थैली निकाल दी है, ये मेरे जो मैंने दर्जनों में कपड़े सिलवाए थे ना वो सूट हैं, तो दर्जन ने थोड़े से ख़राब कर दिए थे, मतलब कि ना बहुत फिटिंग कर दिए थे, तो मुझे अभी खुले खुले लूज लूज चाहिए, तो मैं इनको थोड़ा ढीला करवाने जा रही हूँ। लो भाई लाइट भी चली गई हमारी बाहर, क्योंकि अंदर तो लाइट चली गई हमारी, आपने देखा होगा एकदम से बात करते करते अंधेरा हो गया था, पूरा घर में अंधेरा हो रहा है। राज ने तो उस दिन लाइट ने तमाशे लगाए हुए, और हमारी जो है ना अभी ये खसूसी जगह बन गई है, ये यहाँ पर, ये मैं यहीं पर ही बैठ जाती हूँ इधर, क्योंकि भाई अंदर तो इतनी घबराहट हो रही होती है, गुप अंधेरा है, गुप अंधेरा, क्योंकि आपको पता है मेरा घर बिल्कुल बंद है इस वजह से। रोज़ है सुबह, अब तो 3-3 लाइन जा रही है, वरना जाती नहीं थी कभी, लेकिन अब तो 3-3 लाइन जा रही है पता नहीं क्यों। और आज तो मेरा कुछ पकाने का दिल भी नहीं कर रहा, इतनी घबराहट हो रही है आँखों ना मेरी, नज़ला भी हो रहा है, मेरी आँखों में स्वेलिंग भी हो रही है। जो है इधर आओ घूम पे बैठो, जो हाँ महंगा चली गई है बड़े से, आ जाओ आ जाओ, हनी बंद कर दो गेट फटाफट से। बाहर का मौसम भी अच्छा हो रहा है, कल तो इतना प्यारा मौसम हो रहा था, ऐसे बादल आए हुए थे, ठंडी हवा चली, दिल कर रहा था कहीं घूमने चले जाएं, लेकिन फिर मैंने तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा नहीं कल वाल कहीं नहीं जा रहे, घर में ही रहते हैं। मैंने नहला दिया था कंगी शंगी करके,
और ये जोहा क्या ये क्या पहना हुआ है जोहा? दुपट्टा आपका। ये दुपट्टा उन्होंने साड़ी की तरह बांधा हुआ है, साथ में मेरे केचर, ये देखो मेरे दो दो केचर हैं, एक भी नहीं, दो दो केचर लिए हुए मेरे जोहा। और आपने तरह संभाल के रखे हुए थे। नहीं गलत बात है जोहा, मैंने आधा ऐसे छोड़ा हुआ है। टाइट्स को नीचे करो और ये उतारो शाबाश। और यहाँ पे देखे इसने टेबल वगैरह कैसे लगाई हुई है, हद होती है जोहा भी। ओके जी, मैं तो यहाँ पे नहा धो के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि जो है आज मैं थोड़ी सी ना मुझे आप लोगों से कुछ बात भी डिस्कस करनी थी, और थोड़ा मैं डिसाइड भी हूँ और थोड़ी खुश भी हूँ। डिसाइड ऐसा हूँ कि कुछ कमेंट्स ऐसे हैं ना जो मेरा दिल बहुत दुखाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ना अपनी परवरिश दिखाते हैं चैनल पर आके, तो उनके बारे में थोड़ी सी आज बताऊँगी आपको कि ऐसा वो क्यों करते हैं। असल में उसकी वजह भी मैं आपको आज बता दूँगी। और दूसरी खुश की बात यह कि आज मेरा बर्थडे है जो कि हम कल सेलिब्रेट करेंगे, तो कहाँ सेलिब्रेट करेंगे वो ज़रा एक सरप्राइज़ है और मज़े का होने वाला है, तो अपने कल की वीडियो बिल्कुल ही मिस नहीं करनी। ठीक है जनाब, तो सब मुझे विश कर दीजिएगा, मेरी बर्थडे है तो। अच्छा जी, मैं आपको हाँ और जो है मैं आज आप लोग को बता दूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं, मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है कि मुझे ना ये कहने पर मुझे मजबूर कर दिया है इन लोगों ने कि इन लोगों को जो है ना, जो अभी तो चल रहा है ना यूट्यूब पर ड्रामेबाजियाँ, झूठ, फरेब, नौटंकियाँ, ड्रामे और ये सब देखने के ना लोगों को आदत पड़ गई, मतलब वो जो गंदगी देखने की आदत पड़ गई ना, तो ये लोग चाहते हैं कि हम भी अब गंदगी मचाएं चैनल पे। तो भाई ऐसी गंदगी हमारे चैनल पे नहीं है, हमारे चैनल पे साफ़ सुथरे व्लॉग होते हैं, जिसको देखना है देखे। मैंने हज़ार मरतबा ये बात की थी कि जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना ना देखे, लेकिन पता नहीं लोगों को क्या। और इतनी बकवास भाई, सबसे पहली बात, मैं जिस उम्र में बच्चे पैदा करूँ मेरी मर्ज़ी, ठीक है, आप लोग कौन होते हैं बोलने वाले। दूसरी बात के बुढ़ापे में चोचले और ये मैं कमेंट्स लगा दूंगी, खैर तो आप लोगों को क्या तकलीफ है। मैं मेरा बच्चा, मेरी ज़िंदगी, मेरा घर, मेरी ख्वाहिशात, मैं जिस तरह मर्जी लेके चलूं, आप लोगों को क्या तकलीफ है। ठीक है, दूसरी बात ये, और आप लोग क्या मेरे बच्चे पाल रहे हैं, जो नहीं करो हिल रहा है बेटा बहुत, क्या आप लोग मेरे बच्चे पाल रहे हैं या आप मेरे घर का खर्च उठाते हैं। मैं एक बच्चा पैदा करूं, 10 बच्चे पैदा करूं, बुढ़ापे में करूं, जवानी में करूं, जब मर्जी करूं, आप लोग कौन होते हैं यार बोलने वाले। शर्म आनी चाहिए आप लोग को इस तरह की ना, जो वाहियात बातें आप लोग मेरे चैनल पर आगे करते हैं ना, तो आप लोग अपनी परवरिश दिखाते हैं कि आप लोग की परवरिश ही ऐसी है। और कुछ लोगों को तो मैंने जाके देखा है, जैसे एक राहत है और एक दो लोग एक चैनल वाले हैं मैंने देखा है उनको, तो उनके जो 4-4 साल से जो है ना, वो मैं जाके अब क्लिक करती हूँ ना कि इस तरह की बात कोई कैसे कर सकता है, जाके मैंने क्लिक करती हूँ ना उनकी आईडी पे, तो उनका चैनल होते हैं और चैनल जो है 4-4 साल से बने हुए, उन पर व्यूज आते हैं 12-13-14-15-20 जस्ट। तो वो अपनी भड़ास निकालने के लिए, अपनी वो निकालने के लिए ना, जलन और वो अपने दिल का गुबार, तो वो चैनल पे आके ना बकवास करते हैं कि ये नहीं देखते कि हमने अपने चैनल पे कितनी मेहनत करी है। तो भाई आप लोग भी अपने चैनल पे मेहनत करके लो ना, किसी को बुरा कर बोलने से, किसी के लिए हसद रखने से, किसी के जलने से, तो कुछ आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आज क्या मुझसे लिखवा ले, कभी भी नहीं मिलेगा। मेहरबानी फरमा के अपने चैनल पर मेहनत करें, ग्रो करें अपने चैनल को, तो शायद आप लोग की जलन और हसद ठंडी हो जाए। ठीक है जी, तो और हाँ कि इस उम्र में बच्चे तो भाई जब अल्लाह मुझे देगा मैं लूँगी। आप लोग कौन होते बोलने वाले, मैं किस उम्र में भी करूँ हैं, मैं 50 साल में करूँ, मैं 60 साल में करूँ, मैं 100 साल में करूँ, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं अपना घर चलाती हूँ, मेरी मर्ज़ी है मैं जिस उम्र में भी करूँ। आप लोग कौन होते हैं बोलने वाले और इस तरह की बकवास। तो मुझे ना इतना गुस्सा आ रहा है ना कि बस वही ना, मैं तो यकीन माने मैं ना मेरे जुड़े हुए हाथ देख लें आप लोग, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ यार, खुदा के वास्ते बकवास करना बंद कर दें। नहीं देखना तो ना देखें, लेकिन इस तरह के वाहियात कमेंट्स ना किया करें। ठीक है, जो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं ना कि आप लोग के अच्छे कमेंट्स आते हैं, हमें मोटिवेशन मिलती है, वीडियो बनाने का दिल करता है, आगे से अपनी रूटीन दिखाने का दिल करता है, अपने हर चीज़ें आपके साथ शेयर करने का दिल करता है, तो प्लीज़ आप लोग ना ये मत करें। मेरी जो फैमिली है ना यूट्यूब फैमिली, बहुत अच्छी है। उनमें से जो कहते नहीं है, जहाँ वो गंदगी में पत्थर मारो तो छींटे आपके पास गुजरती हैं, तो कुछ गंदे इस तरह लोग भी होते हैं जो ना जिनको आदत होती है गंद उछालने की, तो वो लोग हैं। और इन लोग को ये पसंद है जो अभी पार्क विलेज पे चल रहा है। ठीक है, बकवास चल रही है पार्क विलेज पे, साफ लग रहा है ड्रामा है, शक्लों से लग रहा है, मतलब रात में सही होते हैं दिन में कुछ और हो जाते हैं। ठीक है, वो ड्रामे इनको देखने का दिल करते हैं, वो वाहियात देखने का दिल कर रहा है, वो मिंटो फैमिली बुढ़ापे में वो यहाँ से वहाँ जहेज की नीलाई फलाना ढिमकाना, वो इतनी बकवास वो जो करते हैं ना अपने चैनल पर, ड्रामेबाजियाँ, फिल्में नहीं चल रही थी नौटंकी वाली फिल्में, वो असल में लोगों को वो देखने की आदत पड़ गई है, तो वो यही चाहते हैं कि ये चीज़ें हम अपने चैनल पर दिखाऊँ। तो भाई ये चीज़ें अपने चैनल पर नहीं दिखा सकती हमें, तो आप लोग को वही देखना है, तो जाके उनके व्लॉग देखें, हमारे साफ सुथरे व्लॉग में आके बकवास मत करें। आपको अल्लाह का वास्ता है, मैं आपको बहुत प्यार से समझा रही हूँ, हद होती है, आप लोग तो यार हद हो गई है, मतलब आपने बोलने पे मजबूर कर दिया, मतलब कि मैं सब ड्रामा कर रही हूँ। हाँ, आप लोग को सब ड्रामा लग रहा है, तो हमें ड्रामा, मेरी बच्ची की मौत ड्रामा, ठीक है, मेरी प्रेगनेंसी ड्रामा है, मैं बुढ़ापे में बच्चा पैदा कर रही हूँ, तो ये मैं क्यों कर रही हूँ, मतलब कि मैं आप लोगों से पूछ के करूँगी सबका।
तो यार खुदा का खौफ करें, हमें हमारे हाल पे छोड़ें और आप अपना काम से काम रखें। बस आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट थी। यकीन माने मेरे सोच सोच के मेरे सर में दर्द हो गया था। ये इन लोगों के जो कमेंट्स में ना एक और इतने कमेंट्स मैं रिमूव भी कर देती हूँ। सिर्फ 2 से 4 गिनती के लोग हैं जिनको बड़ी तकलीफ़ रहती है भाई, बहुत तकलीफ। अच्छा हसद इतनी है कि मैं इतने टाइम जल्दी मेरा मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ, मेरा चैनल ग्रो हो गया। तो भाई आप लोग ही मेहनत करो, हसद ना करो। हसद करोगे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बस मेरी तो ये थी। और जोहर को देखे, जोहर क्या कर रही है तुम? ये मेरे देखो उई बाबा के नए शूज़ है, बाबा बहुत डरते कर रहे। अब तो फौरन जोहर बिल्कुल नहीं रखो, शाबाश। मेरी पंपी निकाली है वो पहन लो, चलो जल्दी करो। पापा के शूज़ निकालिए, पापा बहुत गुस्सा करेंगे। आप लोग को पता है 2-2 वीडियो शूट करना कितना मुश्किल काम होता है। मैं अपनी कुकिंग की वीडियोस भी शूट कर रही होती हूँ, अपने व्लॉग भी शूट कर रही होती हूँ, तो ये मुश्किल काम होता है। अपना घर भी देख रही हूँ, बच्ची भी देख रही होती है, अपने हस्बैंड की भी देखना पड़ता है, ठीक है, अपने घर को भी टाइम देना पड़ता है। ये चीज़ें मुश्किल से मैनेज होती है लेकिन मैं करती हूँ। तो लेकिन उस पर जब आप लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, मैं ना थोड़ा सा मेरी ना एलर्जी भी हो गई है मुझे ना। तो अभी मैं नहाकर आई हूँ तो मैंने अर्क के गुलाब थोड़ा सा लगाया है और अभी मैं ना चावलों का पेस्ट भी लगाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ड्राई स्किन हो रही है और ना बहुत ज़्यादा ना थोड़े हल्के थोड़े से निशान भी हो रहे हैं। तो मैंने कहा चले वो भी यूज़ करूँगी मैं। तो मेरी बस आप लोगों से यही बात थी कि अल्लाह के वास्ते ये ना आप लोग ये समझते हैं कि भाई सब ड्रामे कर रहे हैं, तो प्लीज़ यार उन जो करते हैं उनके चैनल पर जाओ, हमें माफ़ करो, ठीक है। बस आप लोगों से मेरी यही थी कि बाकी तो मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। बाकी आप यकीन माने मैं वो कमेंट्स लगा भी सकती जो इतने बकवास कमेंट्स किए ना कि इस उम्र में बच्चे पैदा करने का शौक है बुढ़ापे में। तो आप लोग को मैं बुढ़ी नज़र आती हूँ? हाँ, ज़रा मेरी 4 साल पहले की तस्वीरें देख लें, आपकी बच्चियों की उम्र की होंगी मैं, ठीक है। और 30-32 साल में लड़कियों की शादी होती है, ठीक है ना। तो मेहरबानी फरमा के ना अपनी भड़ास हम पे ना निकालें, शायद आपके घर में ही चल रहा होगा ना, तो ये मत निकालें मेरे चैनल पे आके, अल्लाह का वास्ता आप लोग को, ठीक है। मेरे घर में बहुत टाइम के बाद खुशियाँ आई हैं, हमें सेलिब्रेट करने दें, हमें खुश होने दें और हमें जीने भी दें अल्लाह के वास्ते। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हमें जीने दो प्लीज़। आई होप कि आप लोग को मेरी आज की ये बहुत प्यार सी वीडियो समझ में आ गई होगी जो मैंने समझाना चाह रही हूँ। भाई मैं ये चाह रही हूँ आप लोग मेरे चैनल पे मत आएँ प्लीज़, मुझे अनसब्सक्राइब कर दें, मुझे आपके सब्सक्राइबर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे सब्सक्राइबरों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जाके वो ड्रामे देखें जो चल रहे हैं ना, जो आप जिस तरह के आप लोग हैं आपको वही ड्रामे अच्छे लग रहे हैं, आप वो जाके देखें, आपको वो ज़्यादा पसंद आएंगे। तो प्लीज़, तो बस मेरी आज यही वीडियो थी क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ख़राब था, क्योंकि मेरा ना मैंने कहा मैं किस तरह से मुझे ना ये मुझे हज़म नहीं हो रही थी ये बातें जो बकवास हो रही थी ना। तो बस और आज जो है ना मेरी बर्थडे भी हुई, मेरा दिमाग घुमा हुआ है। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं बस करो, चिल कर जाओ, चिल कर जाओ, चिल कर जाओ, लेकिन ये लोग मुझे चिल होने नहीं देते। आपको पता है मेरी आवाज़ भी बैठ गई है। क्या कर रही हो ये बालों को, बार बार बताओ अभी क्या कर रही हो बालों के साथ? बालों को निकाल ली हूँ, बाल बांधती हूँ मैं भी आपके सबर करो। चले जी आप लोगों से बाद में मुलाकात करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। कल का व्लॉग लाजमी देखिएगा, मेरी बर्थडे का व्लॉग होगा और कहाँ सेलिब्रेट करेंगे वो भी एक सरप्राइज़ है बहुत बड़ी जगह पर। तो ये सरप्राइज़ रहेगा क्योंकि मेरी सैलरी भी आई थी, तो मैंने कहा चलिए मेरे हस्बैंड ने कहा आपको अच्छी सी ट्रीट दूंगा आपकी बर्थडे पर, और क्या गिफ्ट दूंगा वो भी सरप्राइज़ है। बर्थडे का गिफ्ट, एक गिफ्ट तो आपको अपने देख लिया, दूसरा गिफ्ट भी सरप्राइज़ है वो भी आपको कल दिखूंगी। तो वो वीडियो बिल्कुल मत भूलिएगा, चुप जाइए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जो आप ही अल्लाह।